झालावाड़ में आगामी होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था और शांति सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से आज जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर की अध्यक्षता में CLG बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और DSP के साथ शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी शिरकत की, जिसमें शहर में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखते हुए आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ होली का त्यौहार मनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर ने कहा कि होली के त्यौहार पर जिला पुलिस की ओर से जिले भर में सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त रहेंगे। इस दौरान हुकदंड करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस तुरंत सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। तो वहीं SP ने शहर के लोगों से भी अपील की है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और संबंधित पुलिस थाने में दे। तो वहीं बैठक के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और भारी पुलिस जाब्ते ने शहर के बाजारों में फ्लैग मार्च भी किया। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गढ़ परिसर के अंदर CLG सदस्यों, शांति समिति के सदस्य, हमारी सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्रों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी मुद्दों के साथ साथ जो आगामी त्यौहार है उनको प्रेम पूर्वक सद्भावपूर्ण तरीके से किस तरीके से मनाया जाए इस पर विचार विमर्श करके बातचीत की गई। साथ ही साथ उनको इस चीज़ के लिए भी सेंसिटाइज किया गया कि किसी भी तरह की इस तरह का कोई भी मैसेज सोशल मीडिया पर या इस तरह का कोई भी स्टेटस व्हाट्सएप वगैरह ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर युवा लड़कों के द्वारा खासतौर से ना लगाया जाए। इसको लेके सभी अपने समाज में समझाइश करें और किसी के संज्ञान में इस तरह की कोई बात आती है जिससे कि आपस में कटुतापूर्ण माहौल बने उसको तुरंत ही पुलिस को अवगत कराया जाए। सभी को जिले के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम के नंबर के बारे में अवगत कराया गया कि अगर कहीं पर भी किसी को 8 बजे के बाद शराब की दुकानों से बिक्री होती, ऐसी कोई सूचना मिलती है या कोई ऐसी चीज़ को नोटिस करता है या अन्य कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई भी हरकत को नोटिस करता है तो उसको समय रहते तुरंत पुलिस को अवगत कराइए, जिस पर पुलिस विधिपूर्वक कार्रवाई करे।